गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई विल टीच यू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे चीज को देखते हैं. सम थिंग्स हैव लाइफ इन देम. कुछ में लाइफ है, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जिसमें लाइफ है, लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव, जो सांस ले सकता है, जो चल सकता है, दे कैन वॉक, दे कैन ब्रीथ, दे कैन रिप्रोड्यूस. तो वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस. सम थिंग्स हैव लाइफ इन देम. हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं आसपास, जैसे एनिमल्स को देखा, प्लांट को देखा, कुछ बिल्डिंग्स को मैंने देखा. तो बिल्डिंग्स तो आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, बट प्लांट्स हमारा लिविंग थिंग्स हो गया. जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब हमारे लिविंग थिंग्स हो गए, बिकॉज दे हैव लाइफ. तो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम. और कुछ ऐसे भी चीज है जिनमें लाइफ नहीं है. दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट ब्रीथ. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. देन आफ्टर, हैव यू नोटिस द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? कभी आपने नोटिस किया है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है? परफॉर्म द गिवन एक्टिविटी. तो कुछ आपको एक्टिविटी अपने घर में करना पड़ेगा. जैसे आपने टेडी बियर ले लिया, एंड आप खुद को आप कंपैरिजन करो. आप घर में अपने टेडी बियर ले लिए और एक आप हो गए. उसमें आप देखोगे क्या कि आप सांस लेते हो, आप ब्रीदिंग करते हो, बट आपका टेडी बियर ब्रीद नहीं करता. आप फूड को ईट कर सकते हो, लेकिन आपका टेडी बियर फूड ईट नहीं कर सकता. आप डिस्टेंट विजन को आप सी कर सकते हो, बट योर टेडी बियर इज कैन नॉट डू दैट. एंड आप एंड यू कंपेयर विथ योर टेडी बियर्स, यू कैन फाइंड इट, यू कैन वॉक ऑन ओन. आप वॉक कर सकते हो, बट योर टेडी बियर कैन नॉट वॉक हियर. अब देन आफ्टर हियर, सुनने की. अगर मैं इन योर हाउस, योर मामा इज कॉलिंग, योर पापा इज कॉलिंग, वेयर इज मिस्टर प्रियांशु, देन प्रियांशु लिसन इट, देन आफ्टर ही रिएक्ट इट, यस आई एम हियर. अगर आपके घर में टेडी बियर है और कोई बाहर से टेडी बियर बोलता है, तो क्या टेडी बियर आपको रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग्स है. ग्रोइंग साइज, आप 2 साल के हो, आप 2 ईयर्स के हो, आप अपनी कंपैरिजन करो टेडी बियर के साथ. तो आप 2 ईयर्स में जो आपकी हाइट है, वो टेडी बियर में आपके पास आ गया. आफ्टर 5 ईयर्स आपकी लेंथ में ग्रोथ होगी, बट आपका टेडी बियर जस का तस रहेगा. जब आप मेच्योर्ड हो जाओगे, इवन 25 एंड 30 ईयर्स, तो आपकी लंबाई एक फिक्स हो जाएगी, 5 फीट 6 इंच 7 फीट 6 फीट, जो व्हाटएवर, बट योर टेडी बियर साइज इज फिक्स, ड्यू टू कि वो एक आपका नॉन लिविंग थिंग्स है. वो ग्रो नहीं कर सकता, वो वॉक नहीं कर सकता, वो सी नहीं कर सकता, वो फीड नहीं कर सकता, वो ब्रीथ नहीं कर सकता. तो ये आपका एक एक्टिविटी है जो आपने घर में आप कर सकते हो. एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कस लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, फील कर सकता है, एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ग्रो, सांसे ले सकता है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, फील कर सकता है, एंड गिव बर्थ, और वो बच्चे भी देती. टू टेक वन यंग वंस एग्जाम्पल, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स. तो आप देखे हो, आपने वॉच किया होगा, एनिमल्स है तो उसके भी बच्चे होते, ह्यूमन बींग्स है तो उसके भी होते, बर्ड्स हैं तो उसके भी होते. देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर. तो आज हमारा नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट मूव, कैन नॉट फील, कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस. ये ना तो मूव कर सकता, ना सांस ले सकता, ना ग्रो कर सकता, ना रिप्रोड्यूस कर सकता. एग्जाम्पल, फर्नीचर, कार, बिल्डिंग्स. जस्ट लाइक वी डोंट कंपेयर, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता हूं फर्नीचर, कार्स एंड बिल्डिंग्स, बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो
एंड मैं आपको एक चीज और बतलाना चाहूंगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट एयर वाटर एंड सॉइल के प्रेजेंस में, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स। तो ये हमारा आज का लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो मैंने आपको बतलाया, कल आप इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं और भी कुछ बतलाऊंगा जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी होगा, आपको जानना भी जरूरी है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।